आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे हम बिना यीस्ट के, बिना कढ़ाई, बिना ओवन के बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। ये देखिए कितना मज़ेदार बना है, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं बाउल में 1/4 कप दही ऐड कर रही हूँ। ये दही ठंडा नहीं होना चाहिए। 1 छोटी चम्मच शुगर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 छोटी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और 1 कप इसमें मैदा ऐड कर लेंगे हम। और मैदा डालने के बाद अब इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। पहले हम इसे बिना पानी के ही मिक्स करेंगे। और अब ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार करेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये एक पतला सा डो हमारा रेडी हो गया है। और इसको हाथों से इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए गूंथते रहेंगे। ये देखिए हाथों में ये चिपक रहा है, तो थोड़ा सा हम 1 छोटी चम्मच ऑयल ले लेंगे हाथों में और उसके बाद इसे गूंदना शुरू करेंगे इस तरह से। तो ये एकदम से हाथों से भी छूट जाएगा और बहुत स्मूथ सा हमारा, चिकना सा हमारा डो बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर आप इस तरह से गूंदेंगे तो ये देखिए ये हमारा डो एक जैसा हो गया है और काफ़ी स्मूथ हो गया है पहले से। तो इसे आप हाथों से भी इस तरह से रब करके रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से एक बॉल बना लिया है। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे तकरीबन 1/2 से 1 घंटे के लिए आप इसे रख दें, जिससे हमारा डो फूल कर सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया था। आपके पास टाइम कम है तो आप 1/2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और इसे आपको एक गर्म जगह पर रखना है, जिससे जल्दी से फर्मेंट होगा। तो बस हमारा ये डो तैयार हो गया है। अब इसे हाथों से इस तरह से हम एक बार फिर से गूंद लेंगे। अब मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पे ले लेती हूँ और इस तरह से इसका एक रोल की तरह से इसे बनाएंगे। तो बस इसका हमने एक रोल बना लिया है। अब इसको बीच में से हम काट लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 हिस्सों में से काट लेंगे। तो एक हिस्से का हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं अभी और एक का हम बाद में बनाएंगे। तो एक को हम ढक के रख देते हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है, उसके ऊपर हम इसे बेल लेंगे। सूखा मैदा लगा के थोड़ा सा आप इसे बेलेंगे तो आसानी रहेगी आपको। पहले हाथों से फैलाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम बेलन की हेल्प से इसे बेल लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं रखना है। तो इस तरह का आपको इसे बेलना है। थोड़ा थोड़ा हाथों से भी इसे फैला सकते हैं आप इस तरह से। तो इस तरह से हम पिज़्ज़ा का बेस रेडी करेंगे। अब हम एक फोर्क लेंगे और फोर्क से हम इसको इस तरह से इसके बीच में इस तरह से छोटे छोटे होल्स बनाएंगे, जिससे पिज़्ज़ा को जब हम बेक करेंगे तो फूलेगा नहीं बीच में से। और बिल्कुल जैसे मार्केट के पिज़्ज़ा में इस तरह के निशान होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे इसके अंदर इस तरह से होल करने हैं, प्रिक्स करने हैं। तो अब इसको अब उठा के हम एक पैन में इस तरह से रखेंगे। हम पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसे हम डायरेक्ट पैन में रख लेते हैं। तो पैन मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है, आपके पास छोटा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हाथ से हम इसे इस तरह से फैलाएंगे
इस तरह से फैलाने के बाद हम साइड से इस तरह से इसके बीच में एक गड्ढे की तरह से बना लेंगे साइड से, इस तरह से। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसमें फिर से हम फोक की हेल्प से इस तरह से होल बना देंगे। अब हम इसमें ये पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, इस तरह से फैलाएंगे। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। तो इसे पूरे बेस पे अच्छी तरह से फैलाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी सब्जियां लगाएंगे। मेरे पास ये टमाटर है, कैप्सिकम है, प्याज है, तो इनको मैंने इस तरह से डाइसेस में कट कर लिया है। तो पहले मैं यहाँ पे प्याज लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च बड़े बड़े साइज़ की मैंने कट कर लिए हैं, उनको यहाँ पे लगा रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें टमाटर लगा लेंगे। और इसके बाद मेरे पास थोड़े से स्वीट कॉर्न्स हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप उन्हीं से बना सकते हैं। प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें तो घर में अक्सर होती हैं, तो आप इनके साथ ही बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है। तो स्वीट कॉर्न को भी इस तरह से लगा लेंगे हम। तो बस ये हमारा स्वीट कॉर्न भी लग चुका है। अब हमारे पास ये मोज़रेला चीज़ है जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, तो वो हम अब इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो चीज़ यहाँ पे आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करें तो ज़्यादा मज़ा आता है पिज़्ज़ा खाने में। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस हमने मोज़रेला चीज़ भी स्प्रेड कर ली है पिज़्ज़ा के ऊपर। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे। तो सीजनिंग के लिए मेरे पास थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, वो ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से। और इसके बाद मेरे पास है पिज़्ज़ा सीजनिंग, तो ये हम निकाल लेते हैं थोड़ी सी। और उसके बाद हम पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड करते हैं इसे। ये हमने पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स हैं ये पिज़्ज़ा सीजनिंग, आप चाहें तो ओरिगैनो ले सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं एक आधा चम्मच ऑयल इस तरह से साइड्स में ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारा पिज़्ज़ा पकेगा तो बहुत ही अच्छा पके तैयार होगा। तो चलिए अब इसको हम गैस के ऊपर रख देते हैं। गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल सिम पे रखना है, बिल्कुल लो पे रखना है। और ये जो होल है इसमें मैं यहाँ पे ये ईयरबड्स काट के लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये स्टीम है पक के तैयार होगा। तो 8 मिनट के लिए मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक किया है। और ये देखिए चीज़ पूरी मेल्ट हो चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है ये। मैं अभी आपको नीचे से भी चेक कराऊँगी इसे। तो इसे निकाल लेते हैं पहले और अब इसे गर्मा गर्म कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है पैन में। आप इस तरह से घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत खुश कर सकते हैं घर पे ही पिज़्ज़ा बना के। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल मार्केट के जैसा पिज़्ज़ा हमारा बनके घर पे तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में और बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए नीचे से बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है ये।
तो ये हमने सिर्फ 8 मिनट में तैयार किया है। 8 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।